जय भीम जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। मेरे लिए यह गर्व की बात है कि मैं प्रथमतः और अनंततः भारतीय हूं। मेरे मसीहा, मेरे भगवान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहकर गए हैं कि हम प्रथमतः और अनंततः भारतीय हैं। मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि मैं भारतीय हूं, और मुझे गर्व होता है यह भी कहते हुए कि गर्व से कहो हम भीम सैनिक हैं, यानी कि मैं भीम सैनिक हूं। मैं गर्व से कहता हूं मैं भीम सैनिक हूं। आज इन बातों को कहने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि भारत देश 141 करोड़ लोगों का देश है, और 141 करोड़ में से कितने बोल रहे हैं। जब भारत के संविधान की बात आती है, उस वक्त भारत का संविधान हमें तीन हिस्सों में बटा हुआ नजर आता है। अब हाल ही में मैं आज बात करूंगा, अब हाल ही में जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस माननीय श्री डी वाई चंद्रचूड़ के घर गए हैं, क्या यह लोकतंत्र के लिए सही संकेत है? आपको भली भांति मालूम है कि हमें किसी बीजेपी या बीजेपी की सरकार, इन लोगों से खुली आपत्ति रहती है, क्योंकि ये लोग काम अच्छे नहीं करते हैं। और मेरी बात को यदि आप सुनिएगा तो उस तौर पर सुनिएगा, क्या मैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी, बिकॉज आई एम ए फॉलोअर ऑफ डॉक्टर बी आर अंबेडकर, बिकॉज आई एम ए भीम सैनिक, भीम सोल्जर, बिकॉज आई एम ए इंडियन, बिकॉज आई एम ए इंडियन सिटीजन, बिकॉज मैं संविधान का रक्षक हूं, मैं लोकतंत्र का पहरेदार हूं। और जैसे ये नवाब सतपाल तंवर लोकतंत्र का पहरेदार है, संविधान का रक्षक है, वैसे ही आपको भी आज बनना होगा। यदि मेरी बातों से आपको जरा सा भी महसूस हो कि सतपाल तंवर भैया जो बात कह रहे हैं वो सो आने सही है, तो इस आवाज में अपनी आवाज मिलाकर देखना, जो आवाज आएगी इस मुलाकात से वो लोकतंत्र की आवाज होगी। माननीय डीवाई चंद्रचूड़ जी, सीजीआई साहब, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हम उनका बहुत ही सम्मान करते हैं। पूरा देश 141 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। जब भारतीय जनता पार्टी के कदमों में न्याय दम तोड़ता हुआ नजर आता है, जब चप्पलें घिसती हुई नजर आती है उन गरीबों की न्यायालयों में, तब माननीय श्री डीवाई चंद्रचूड़ जी का जिक्र आता है कि माननीय श्री डीवाई चंद्रचूड़ जी बहुत ही एक अच्छे जस्टिस हैं, एक अच्छे न्यायाधीश हैं। और उस न्यायाधीश को बदनाम करने के लिए जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री ने अपने कदम बढ़ाए हैं, माननीय सीजीआई के घर की तरफ, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। आप देखिए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, भारत के संविधान में जब ये तीन मुख्य स्तंभ बनाए गए, बाबा साहब अंबेडकर जी ने बनाए थे, तब साफ कर दिया था कि व्यवस्थापिका का काम होगा कानून बनाना, यानी कि भारत की संसद। और भारत की संसद में दो सदन, इन्हीं सदस्यों का एक सदन होता है राष्ट्रपति, जो कि इनसे अलग होता है, लेकिन इसको हम कहते हैं कार्यपालिका, जो कि कानून बनाने का काम व्यवस्थापिका हमारी संसद करेगी, वही कानूनों को लागू करने का काम हमारे राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी करेंगे। हमने सरकार का और महामहिम राष्ट्रपति जी का तालमेल आपस में देखा है। तालमेल अच्छा होता है तभी देश चलाया जाता है, देश की जनता सुखी रहती है, सुरक्षित महसूस करती है। लेकिन जिस वक्त संविधान गलत हाथों में चला जाए, तो ये व्यवस्थापिका में बैठे हुए बीजेपी सरकार के मुख्य कार्यवाहक
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो खुद को चौकीदार कहते हैं, वो चौकीदारी करते हुए वो एक प्रमुख स्तंभ को लांग जाते हैं। वो स्तंभ होता है कार्यपालिका। व्यवस्थापिका को भी उन्होंने साइड छोड़ दिया, व्यवस्थापिका को साइड में छोड़कर और व्यवस्थापिका को किनारे में रखकर ताक पे रख के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं और प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए कार्यपालिका को महामहिम राष्ट्रपति जी को पूरा क्रॉस करके लांग करके उलाक के सीधा पहुंच जाते हैं सीजीआई साहब की तरफ। अब आपके घर में कोई दुश्मन भी आएगा तो आप सीधी बात कहेंगे कि आइए आपका स्वागत है, आप उसको वापस नहीं भगाएंगे। ये तो देश के प्रधानमंत्री की बात हो गई। प्रधानमंत्री पद का खुलेआम दुरुपयोग और न्यायपालिका के ऊपर धब्बा लगाने का काम किया है। न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र है, हमारी न्यायपालिका में को देश के संविधान में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। वही न्यायपालिका की सर्वोच्चता को कम करने का कार्य बीजेपी की सरकार ने किया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन करके व्यवस्थापिका को लांग कर फिर कार्यपालिका को लांग कर सीधा न्यायपालिका के पास में वो चाय पीने के लिए पहुंच गए या चाय पिलाने के लिए पहुंच गए, ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार कर देने वाली घटना है। और वहीं आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय जब ये फैसला देते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाती है, सशर्त जमानत दी जाती है, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं लेकिन उस बात को कदापि नहीं भूलेंगे जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कड़ी टिप्पणी की है। यह टिप्पणी उस वक्त भी की गई थी जब देश में कांग्रेस की सरकार थी कि सीबीआई बंद पिंजरे का तोता है। अब ये सीबीआई बंद पिंजरे का तोता है, आप दिखा देख लीजिए, यही बात आपको बोली है अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, ये सीबीआई बंद पिंजरे का तोता है। अगर यदि ये पहले कह दिया जाता तो इतना समय किसी का नष्ट नहीं होता। बहरहाल मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को रिहाई की शुभकामनाएं देता हूं, उनकी पूरी पार्टी को देता हूं, हालांकि दूर दूर से देता हूं, मेरा इस पार्टी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी मानवता के नाते देता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा है कि हम इंसान भी है भाई, हम सबके काम आते हैं, कोई हमारे काम आए जब पता चले। सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो प्राथमिकता को सर्वोच्चता को कम करने का कार्य किया है और देश के मुख्य न्यायाधीश को जो उन्होंने छोटा बनाने का कार्य किया है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और मैं आज भी कहता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सीजीआई साहब की जो गरिमा है वो बरकरार है और हम इस देश के निवासी हैं, हम कभी भी न्यायालय की न्यायपालिका की सर्वोच्चता को गरिमा को हम कभी नुकसान नहीं होने देंगे। और मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को यह अंतिम चेतावनी दे देना चाहता हूं, भीमसेना की तरफ से यह ऑफिशियल बयान है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने घर में रहो या अपने कार्यकर्ताओं के पास जाओ या संसद में जाओ, आपकी मर्जी, वो आपका अधिकार क्षेत्र है। यदि आपने भारत की न्यायपालिका में घुसपैठ करने की कोशिश की तो भीमसेना कतई चुप नहीं रहेगी, ये आपको खुली चेतावनी भी है। यदि आपने न्यायपालिका में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की या न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश की तो भीमसेना चुप नहीं रहेगी। हम भीम सैनिक पूरे तरह से तैयार हैं कि हम आपको गलत तरीका नहीं अपनाने देंगे, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में यदि आप कोई भी गलत काम करेंगे तो भारत के संविधान ने हमें आपकी आलोचना करने का खुला अधिकार दिया है। हम आपको कोई गलत कोट नहीं कर रहे लेकिन हम आपको ये इशारा भी कर रहे हैं और आपको ये बता भी रहे हैं, आपको ज्ञान नहीं है तो आपको ज्ञान भी दे रहे हैं। यदि आप स्कूल गए होते और दिल्ली यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री ना लाए होते तो आज आपको मालूम चल जाता कि इतिहास में पहली बार कोई किसी चीफ जस्टिस के यहां जा करके जबरदस्ती घुस के अपना फोटो सेशन करता है। माननीय सीजीआई साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, उनकी वॉल से, उनके किसी अकाउंट से या सुप्रीम कोर्ट के किसी अकाउंट से कोई पोस्ट नहीं की गई लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी गरिमा को प्रधानमंत्री पद की भी प्रधानमंत्री पद की भी गरिमा को पैरों में तले रो